अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं डॉक्टर असद रियाद से। सबसे पहले दुरूद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जैनब, कहाँ जा रहे हो? पार्क पार्क जा रहे हो? जी। मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि आपको, पिछले 2 हफ्ते से मुझे कोई छुट्टी नहीं थी, और मैंने फिर इन्हें प्रॉमिस किया था कि फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं आपको पार्क लेके जाऊंगा। और पार्क भी मैंने सुना है कि आजकल रियाद सीज़न शुरू हुआ हुआ है, तो वो मैंने सर्च किया तो उसमें मुझे एक सवेदी पार्क नज़र आया। उसके बारे में फिर मैंने सर्च किया तो सुना है वहाँ एक किस्म का वो जोन है रियाद सीज़न का, और उस जोन में डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड फेस्टिवल्स होते हैं। क्या होता है वहाँ जाके इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, तो साथ रहिएगा। खातम अल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमी खातम अल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमी खातम अल मुरसली। जी, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं पार्क के पास। तो पार्किंग नहीं थी, रश बहुत ज़्यादा था। एक ग्राउंड है, वो सामने पार्क है, इस ग्राउंड में हमने पार्किंग की है। आप भी जब यहाँ आएँ तो इस ग्राउंड में पार्क करें। ये पार्क की बैक साइड है, उसका एग्ज़िट गेट है, लेकिन हम जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। एंट्रेंस थोड़ी सी चल के आती है, वो आपको थोड़ी पार्किंग से दूर लगेगी, 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है। और ये पार्क की एंट्रेंस की तरफ रास्ता जाता है, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और आगे मेटल डिटेक्टर्स भी आपको दिखाता हूँ। ये मेटल डिटेक्टर्स हैं और यहाँ पे लाइन लगी हुई है। यहाँ पे टिकट चेक होंगी आपकी, वैसे चेकिंग होगी, सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, और सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद फिर आपको एंट्रेंस मिलेगी। ये अब हम एंट्रेंस में आ चुके हैं। चलो 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 आयशा जैनब। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कल्चर्स को शो करने की कोशिश की गई है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स भी हैं, आप देख सकते हैं मेरे राइट और लेफ़्ट पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं, अबाया के भी स्टॉल्स हैं, कपड़ों के भी, मोबाइल शॉप भी है, डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस के भी स्टॉल हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी है और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं, खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, डेकोरेशन पीस भी हैं, ख़वातीन के लिए मेकअप की स्टॉल्स भी हैं, और जूस के स्टॉल भी हैं, शवरमा के स्टॉल भी हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था है, और आप लोग भी फैमिली के साथ आके इस जगह पर अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आवाज़ आ रही है पाकिस्तानी गाने की, वो सामने रश लगा हुआ है, तो वहाँ चल के देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं।
अपनी फैमिली के साथ अच्छी पिक्स ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग कमाल की है। अच्छा क्यों रो रही हो? झूले झूले लेने हैं। ये क्या है, स्लाइड है ये तो? झूला चाहिए आपको? भी झूला चाहिए? झूलों पे चलते हैं जी। झूलों स्लो है झूला, नहीं हो सेटिस्फाइड, चलो दूसरी पार्क में चले जाएं। आपको भी नहीं मजा आया? आपको भी नहीं मजा आया? अब मुझे टक्कर मार। अच्छा चलो फिर, चलो दूसरी पार्क में चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो इलेक्ट्रिक राइड्स भी हैं बच्चों के लिए। चलें आपको यहाँ ले चलते हैं, इस बंदे से पूछते हैं कि यहाँ पर टिकट कितने की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कभी भी? क्या फतह करो तो जी, थ्री राइड्स का 69 रियाल्स है। सामने ही टिकट काउंटर है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। नैना भाई साहब, वो देखो बलून शो। Thank you.
तो ये एग्ज़िट गेट आ गया है, अब हम वापस जा रहे हैं। ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप फैमिली के साथ वीकेंड पे आ सकते हैं और काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।